1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। सियासत के वादे टूटने के लिए ही किए जाते हैं, और बात यह भी है कि रुपए पेड़ पर तो उगते नहीं, तो राहुल गांधी सबके खाते में पैसे पहुंचाएं भी तो कैसे। लेकिन हम कहते हैं रुपए पेड़ पर उगते हैं, यकीन नहीं हो रहा ना। लेकिन देखिए, ये रुपए ही तो हैं, लाल लाल करारे नोट। बस इनको तोड़कर बाजार में पहुंचाइए तो आपके खाते में लाखों रुपए आने से कोई नहीं रोक सकता। ये चेरी है, रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक और होलसेल में 200 रुपए प्रति किलो तक मिल जाती है। औसतन 50 से 100 किलो तक फल की पैदावार होती है। कुल्लू जिले की लग घाटी में कुछ किसान इसकी खेती कर रहे हैं और महज 3 महीनों में लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैंने 2012 में लगाए ये पौधे, आर के नर्सरी बड़ग्रा पतली कुल से ऊपर बड़ग्रा, वहाँ से लिए थे मैंने पेड़, आर के राणा जी नाम है उनका। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। अब देखो, मैंने 200 पेड़ ले आए थे उस वक्त, अभी 250 पेड़ पहुँच गए हैं मेरे पास टोटल जो मैंने लगाए हैं। और इससे पता क्या हो रहा है कि 3 महीने की फसल है टोटली, जब से फ्लावरिंग हो रही है और तुड़ान तक, इससे 20-25 बंदों को रोज का रोजगार है। इसकी खेती करने वाले किसानों ने बताया कि 8,000 फीट की ऊंचाई पर चेरी की खेती बहुत अच्छी होती है। सेब, प्लम और जापानी के बाद चेरी भी किसानों की कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है। सेब की तरह ही चेरी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन 6, थायसिन, नाइसिन, मैग्नीज, आयरन, कॉपर और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। साथ ही चेरी में एंटीऑक्सीडेंट की भी काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। किसान इसकी खेती से अच्छा मुनाफा तो कमा ही सकते हैं, कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है, इससे युवाओं के लिए बहुत रोजगार है। अभी तो ये उतनी ज़्यादा नहीं है ना, हमारा तो ये सब युवाओं को संदेश है कि इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि इसे काफ़ी युवाओं को, इस लग घाटी के जिम्मेदारों को इसका फायदा हो सके। 8,000 के फुट जितनी भी हाइट है यहाँ लग सकती है, क्योंकि नीचे जो गर्म एरिया में नहीं हो सकती, हाइट में लगती है। और ये 5 मान के चलो आपकी 5 साल के बाद बगीचा पूरी तरह से लगभग तैयार है, और उसके बाद 8-9 साल 10-12 सब फिर पूरा निकलता ही, मतलब इसकी फसल। किसानों की मांग है कि सरकार चेरी के उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान दे, जिससे किसानों को आय का एक नया जरिया मिल सके। इनका मानना है कि रोजगार के अवसर बढ़ने से युवा भी नशे की गिरफ्त में आने से बचेंगे और राज्य के विकास में योगदान दे सकेंगे। इनका मानना है कि अगर सरकार मदद कर दे तो बेरोजगार युवा कह सकते हैं फल है तो कल है। तुलसी भारती, न्यूज 18, कुल्लू।